सतपुरुष ने दिया, गुरु ने पकड़ा और आगे तुमको दिया, तो उसमें दोनों मौजूद हो गए। महाचेतन सुरति उनकी है, और जब सतगुरु देता है वो चेतन सुरति, और तुम्हारी सर सुरति चेतन सुरति को जब पाएगा, महाचेतन भी संग तो पाए, फिर अपनी ज्योत जगाएगा, पल पल सतगुरु के गुण गाएगा। गुरु बिन गत नहीं तो शाह बिन पत नहीं, पुराने वक्त में कहते थे ना, शाह नाराज हो जाएगा तो सूदी पैसा कौन देगा, शाहों का बोल बाला था। आज भी पैसे वालों का आज भी बोला बाला। सिमरन प्रथम व्यानाम सतगुरु को प्यार, कहता है सिमरो प्रथम व्यानाम सतगुरु को प्यारो, जिस दियो व्यानाम शब्द का सच्चा ज्ञान। सतगुरु को ही पूजना होता, और किसको पूजना, शब्द को पूजा सतगुरु को पूजा, सतगुरु को पूजा सतपुरुष को पूजा, ये फाइनली सतपुरुष को पहुंचता है। सतगुरु तो एक बहाना है, हमने पूर्ण मोक्ष को पाना है, निज घर अपने जाना है, सतपुरुष को अपने अंग संग पाना है, ये इतना सा काम करना है तुमने, तो सारा कुछ मिल गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम तुम्हें समझाना है, मैं थोड़ा ज्यादा देर बैठना है, मैंने आपके पास आज में 1.5 घंटा हूं, तो घबराने की वो कोई बात नहीं है। साहिब जी साहिबन से मिलाया पान, सतगुरु ने सतपुरुष से मिला दिया, मुझे और किसने, सतगुरु ने मिलाया, बिना सतगुरु कोई पार ना हो। लाख यतन जे करे जे कोई पार ना होवे, एक पूर्ण सतगुरु जब मिल जावे तभी पावे सच्चा प्यारा एक, सच्चा प्यारा एक ही सतपुरुष, और वो निज धाम है ये काल भगवान ने। काल भगवान मन के हैं, पल पल तुम्हें भरमाते हैं, तुम्हें उलझाते हैं, क्योंकि एक भी आत्मा वहां चल जाएगी फिर वो जन्म नहीं लेगी, फिर वो जन्म नहीं लेती। निज धाम जो जाएगा फिर वो जन्म कैसे पाए। इसलिए मैं लाखों बार गया और इसी बाड़ी में वापस आया, जन्म थोड़ा लिया, गिनती से बाहर आ गया हूं मैं, यानी गिनती नहीं उनकी हो सकती, मैं कितनी बार निज धाम गया और इसी बाड़ी में वापस आया, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, पीछे बाड़ी डेड हो जाती है। जीवत मरिए बव जल तरी, ये जीवत मरना है, जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद कब मरूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। मरिए ते मर जाइए छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे दिन में सो सो बार। कितने सुंदर दवे मेरे कबीर साहब लिख के, उनकी महिमा कोई कम कर सकता है, लेकिन किसी एक ने पहचानी नहीं। बड़े बड़े टीवी पे बोलते हैं लेकिन पहचान ना पाए कबीर साहब, उनको भी इस निरंकार के दायरे में फेंक दिया कबीर साहब। बाबा वो निज धाम के परम शिरोमणि संत हैं, सतपुरुष से तान ऐसी जुड़ी थी जैसी इस गधे भाई की सतपुरुष से जुड़ी, इससे भी ज्यादा अच्छी जुड़ी थी, मैं तो ये कहूंगा मेरे से भी ज्यादा अच्छी उनकी शायद जुड़ी थी, मुझे तो यही कहना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने इस संसार को क्या कुछ दिया, हीरे मोती ज्वारातों से लद दिया, और तुम्हें पहचान लो इतना नहीं पता लगा सकते वो किसके भगत। हाँ धोए उन्होंने लिखे कुछ निरंकार के, अब ना रहूं माटी के घर में, अब जाऊं बरूं बसूं हरि में, तो क्या बुरी बात हो गई, हरि क्या कोई दुश्मन थोड़ा है हमारे, उनके पास भी 4 दिन रहने में क्या बुराई, मैं भी इतना अरसा रहा, सारे लोग लोकांतर उन्होंने दिखाए ना, तो कोई बुरा काम किया, तुम भगत बन जाओ बुरा कोई नहीं, बुरा वेखड़ में गया तो बुरा ना मिलया कोई, जे सुरती कुछ मन नहीं, जे सुरती खोजी आपने तो मुझसे परा हो, बस सारे अवगुण अपने में देखो, गुण दूसरों में देखो और अवगुण अपने में देखो तो बात बन जाएगी। लेकिन तुम उल्टा काम करते, दूसरों के अवगुण देखते हो और अपने गुण देखते, तुम्हारे अपने अंदर तो एक गुण नहीं होता और वहां गुण ढूंढते हो और दूसरे के अवगुण ढूंढते,
कोई एक गाली दे तो इतना तुम्हें क्रोध आ जाता है, तो तुम्हें पता है क्या ये क्या करते हो, तुम भर जाते हो क्रोध से, ईर्ष्या से, वैनम मुंह से झग गिरने लगती और कहते हो भक्ति कर, भक्ति भक्ति सब जगत में खाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सदगुरु पूर्ण हो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से विषय विकार सब बाहर फेंकाए। अभी मैंने विषय विकारों पर और बोलना है, अभी तो कोई मैं खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैंने एक प्रवचन दिया उसके, उसकी एनर्जी के विषय में जानकारी दूंगा, कैसे वो ऊर्ध्वमुखी एनर्जी की जाती है, कितना लाभ है, उसी से मैं यहां पहुंच। अगर वो एनर्जी ऊर्ध्वमुखी ना करता तो मैं कैसे आज यहां पहुंचता, मैं कैसे इतने सत्संग देता, इतना लिखता, इतना काम करता, अकेला रहता, किसी से कोई लेन देन नहीं रखता। मूल चूज संसार तज दिया में, लेन ना देन किसी से, इसीलिए क्या आश्रम बनाने, एक और अपने सर पर मैं ले लूं, सारे घर तुम्हारे मेरे आश्रम, तुम जागो तो तब आऊंगा, ऐसे नहीं, बस बात इतनी सी, बिना तुम्हारे जागे मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम जागोगे मैं भागा हूं। निरंकार लोक शास्त्र सार चक्कर प्या, मैं आ रहा हूं उसी पर पहुंच गया पड़ी, निरंकार लोक शास्त्र सार चक्कर प्यारो, शास्त्र सार चक्कर है ये चक्कर जो है संतों के हिसाब से छठा है, लेकिन जो हरि की भक्ति करते हैं उनका साथ, हरि की भक्ति वालों के लिए एंडिंग स्टेज है, हमारा संतों का एंडिंग स्टेज जो है अष्टम चक्कर, सातवां चक्कर आ गया चक्कर, और हम शास्त्र सार को छठा चक्कर मानते हैं, क्योंकि यहां से हम आते हैं, शास्त्र सार से हम आते हैं आगे चक्कर, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम जो है वो सुषुम्न शरद से, इसलिए वहां से चलना है। निरंकार लोक शास्त्र सार चक्कर प्यारो, पांचवा आकाश तत्व स्थान ले जा, यहां पर पांचवा आकाश तत्व, ये इसीलिए इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं, पांचवें तत्व, चाचरी गूचरी और गोचरी उर्मरी और खेचरी, चार पांच तत्व है, पांच चक्कर, इसलिए चार चक्रों को, इसलिए उनके ऊपर आऊं, मैंने एंड से लिया क्योंकि मैंने गोरा जी को लेना था तो एंड से लिया, मैं बाकी चक्र भी हर सत्संग में एक एक चक्र लेता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। पांचवा आकाश तत्व स्थान ले जाना, और अगर यही बात बता रहा हूं, पांचवा आकाश तत्व है ये मिट जाएगा, पांचवा अगर आकाश तत्व मिटेगा तो निरंकार भी मिटेगा ना, वो उसी में तो वो है, पांचवी तत्व में ही निरंकार है। पानी में मछली रहती है ना, तो पानी ना रहे तो मछली जिंदा रहेगी, आप भी बता दो, पानी के जितने जानवर हैं खत्म हो जाए, पांचवा तत्व गया ये सारी सृष्टि गई, फिर निरंकार गया, सब गया, सभी देवी देवता सब गए, पांचवें तत्व तक रुके हुए हो, इसलिए सारे जीवों को चार दूसरे तत्व भी चाहिए, आपको वायु तत्व भी चाहिए, अग्नि तत्व भी चाहिए, जल तत्व भी चाहिए और पृथ्वी तत्व भी चाहिए, इसलिए निरंकार भगवान सुन तत्व में रहते हैं, ये सुन जो है उसमें मौजूद है, इसलिए कहा सुषुम्ना मद बसे निरंजन मुदा दसमा द्वारा, सुन तत्व के अंदर है वहां घोर अंधार। पांचवा आकाश तत्व स्थान ले जान, सुरत निरत का एक होना प्यार, इसी जगह पर सुरति और निरति एक होती, और वो सुरति और निरति एक कैसे होती, जैसे आप दूध का दही बनाते हो, थोड़ा सा दही लेते हो 40 डिग्री टेम्परेचर पर दूध रखते हो, और उसमें एक दो चमचे एक किलो दूध में मिला देते हो, हिला देते हो अच्छी तरह से, फिर उसको बंद कर देते हो, 6-8 घंटे के बाद आपको
दही मिल जाता सारे का सारा। इसी तरह से तुम्हारे को जितने टीवियों पे बोल रहे प्यारी सत्संग जी, मैं सच बोल, एक भी नहीं राज जानता भक्ति का। सिर्फ तुम्हें कहते तुम क्या हो जाओ, होश में आ जाओ। तुम कैसे होश में आओगे? तुम जैसे दूध को कहते हो दही बन जा, वो कैसे दही बन जाएगा? आप कहते हो दूध जी पनीर बन जा, वो कैसे पनीर बन जाएगा? आप कहते हो दूध जी मिठाई बन जा, कैसे बन जाए? प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना, उसमें कुछ डालना पड़ेगा। दूध को फटाना है, आपने पनीर बनाना है, तो उसमें एलम थोड़ी डालनी है ना, फटकड़ी डालोगे या खट्टा दही डाल, खटास डाल। हलवाइयों के पास देखो खटास उनका एक तीन कनस्तर बनाओ, बस उसे थोड़ा दो चम्मच ले आओ, फटाफट दूध फट जाए। इसलिए मेरा शब्द श्रुति और निर्ति को जोड़ता है, यही एक काम करना। ये जो कर दे भक्ति शुरू होगी, यही नहीं हुआ तो भक्ति कहां से? सारे आपको भरमा रहे बड़ी मीठी मीठी कहानियां सुना के बड़ा बड़ा कर, इसलिए भरमा रहा है। एक ना भूला दो ना भूले, भूला फिरिया कुल संसार, किस किस को समझाऊं सब जग अंधा। अंधा अंधे की ही कहानी सुनेगा, वो जागे की कहानी कैसे सुनेगा? मैं जागा हुआ, आप मेरी कहानी कहां सुनो? तुम कहते बात जाने दो, इसको किसको क्या सुनना है? ये कल का बंदा बोल रहा है, इसको कोई जानता नहीं। जिसे नहीं जानते होते ना, वही डॉक्टर सबसे अच्छा होता है, याद रखना। जिसे जान लिया वो अब डॉक्टर नहीं रहा, जिसको जब तक नहीं जाना वो डॉक्टर, जान लिया अब वो डॉक्टर नहीं रहा, अब वो तुम्हारा दोस्त होगी, अब शफा खत्म हो। इसलिए तुमने अपने अंदर शब्द को डाल के देही से काम ले लेना है, दूध का दही बना लेना। इसी तरह से आपने दूध का पनीर बना लेना, इसी तरह से दूध को काढ़ काढ़ के खोवा बना लेना है और उसकी मिठाइयां बना लेना। सब मेथड करने पड़ते हैं, बस तुम यत्न से नहीं, एक प्रोसेस कर। इसलिए श्रुति निर्ति को एक करने का ढंग ही वही है। श्रुति और निर्ति सतपुरुष की इस काल के पास तो है नहीं आत्मा, ये बेचारा तो मन के भाव देता, और इन भावों से बचो तो तुम जवान के जवान हो जाओ। मैंने आपको सच बोलता हूं, मैं पहले से योगा डेढ़ गुना ज्यादा कर रहा हूं, ऑलमोस्ट डबल कर दिया ऑलमोस्ट। फिर बाकी काम करने पड़े, सुबह और शाम दो टाइम पूरा योगा करता हूं। सुबह कम से कम मेरा झाड़ू पोछे में 4.5 घंटे लगता, और फिर टेरेस पे शाम को 50, बहुत बड़ा टेरेस है, कोई छोटा नहीं, 50 चक्कर डंडा ऊपर उठा के, तीन चक्कर डंडा ऊपर उठा, दो फिर गर्दन के ऊपर रख के, फिर तीन ऊपर उठा के, दो गर्दन, 50 चक्कर करता हूं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा समझाना आपको काम है। आप चलो ना चलो, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे हाथ में क्या, कौन सा जादू, जादू की छड़ी है? तो निरंकार नोक्षा शास्त्र 7 चक्र प्यारो, 5वां आकाश तत्व स्थान ले जान, सुरत निरत का एक खोज होना प्यारो। बस ये बड़ी कड़ी सुरति तुम्हारी हृदय में रहती, हृदय की धड़कन बनाती है, नीति पर पल सांसा में चलती, सांसा को ऊपर आज्ञा चक्र।